हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? सब मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिकेटर है। हम सुपर ट्रेंड के ऊपर बात करेंगे, कैसे इसमें वर्क करना है, कैसे इससे अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाले। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और क्या है कि हमने पूरे एक इंडिकेटर पे सीरीज बनाने का सोचा है, बाद में हम क्या है कि स्ट्रेटेजी के ऊपर सीरीज बनाएंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम क्या है कि प्राइस एक्शन भी ऐड करेंगे। सो प्लीज यारो, अगर आपको लर्निंग करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आ गए चार्ट के ऊपर, तो कोई भी चार्ट ले सकते हो। मैंने आईसीआईसीआई बैंक लिया है, मैं दूसरे चार्ट पे भी आपको बताऊंगा वो सब। तो आपके जहां इंडिकेटर आते हो वहां आपको जाना है, वहां सर्च करना है सुपर ट्रेंड, मेरा जीरोदा है, मेरा जीरोदा में स्टडीज में आता है। तो मैं इधर सुपर ट्रेंड सर्च कर रहा हूं तो मेरा सुपर ट्रेंड आ गया है, मैं इसको ऐड कर लूंगा। अभी हम क्या है कि इंडिकेटर देख रहे, तो मैं सेटिंग में कुछ चेंजेस नहीं करूंगा, तो जैसा है वैसा ही सेटिंग में ऐड कर लेता हूं। तो ये क्या होता है कि देखो, एक मतलब एक लाइन जैसी आ रही है, जो ये ग्रीन लाइन है, ये रेड लाइन है, तो ये लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, सेल साइड सिग्नल देता है। अगर ये लाइन ऊपर है उसको ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला जाता है, मतलब क्लोजिंग। एक बार ऊपर चला गया तो ऐसा नहीं होता है कि वो दे देता है, मतलब इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर दी तो ये आ जाता है बाय साइड, मतलब रेड लाइन को क्लोज करके ऊपर चला गया तो बाय साइड सिग्नल देता है, ग्रीन कलर की लाइन को नीचे आ गया तो ये सेल साइड सिग्नल देता है। पहले तो ये क्या है कि लैगिंग इंडिकेटर है, तो उस तरह आपको वर्क करना पड़ेगा। और दूसरा ये क्या है कि ये ट्रेंड वाइज इंडिकेटर है, वो भी आपको याद रखना है कि मतलब ये ट्रेंड बताता है, लेकिन आप इसमें वर्क कर सकते हो, लेकिन उसको देखना पड़ेगा कैसे वर्क करना है वो सब। अगर मैं इस इंडिकेटर को यूज करना होगा तो मैं इंट्राडे में ही करूंगा, ज्यादा मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस इंडिकेटर को प्रिफर नहीं करता। तो आपको देखना पड़ेगा, देखो वर्क करने का तरीका सेम ही है, आप इसे इंट्राडे में भी ऐसे वर्क करा सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग में भी ऐसे वर्क करा सकते हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा आपको कहाँ बेनिफिट रख रहा है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना पड़ेगा, वो सब कुछ देख के आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल बाय सेल के सिग्नल पे वर्क करोगे तो आपको ये बहुत सारे फेक सिग्नल देगा, लेकिन इससे हमें बचना है। तो कैसे बचे वो देख लेते। देखो इधर से ये बाय सिग्नल आया तो ये देखो ऊपर जाके फिर से नीचे रिवर्स हो गया, बाद में सेल आ गया तो हाँ आपको एक प्रॉफिट हो चुका है, बाद में इधर बाय आया तो प्रॉफिट हो चुका है। इन सिंपल, जब ये ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो आपको एक बहुत अच्छा मुनाफा देगा, लेकिन जब ये क्या है कि चोपी मार्केट होता है तब आपको ये फेक सिग्नल देगा। तो उससे कैसे बचे, थोड़े से फेक सिग्नल तो हम कम कर ही सकते हैं, तो उससे कैसे बचे वो सब देख लेते हैं। तो जब भी ये कोई सिग्नल दे तो आपको वहाँ देखना है जो सिग्नल देने वाली कैंडल है वो कैसी है। पहले तो वो अनडिसीजनल टाइप नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, छोटी बॉडी और लॉन्ग शेडो वाली नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट अच्छी बॉडी और छोटी शेडो वाली होनी चाहिए। तो ऐसी अगर कैंडल मिलती है, अगर उसमें वॉल्यूम भी है, तब आप उससे बाय कर सकते हो। तो ये मेरी वो कैंडल थी, लेकिन मैं इससे बाय नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को इसमें वॉल्यूम नहीं दिख रहा। आप नीचे देखोगे तो वॉल्यूम बहुत कम दिख रहे, इसीलिए मैं इसको बाय नहीं करूंगा। नो डाउट इसने आगे जाके अच्छा वर्क किया है, लेकिन मैं इससे बाय नहीं करता अगर मैं होता तो इस इंडिकेटर की बेसिस पे। बाद में सेल साइड कैसे करना है, सेल साइड भी सेम है, अच्छी बॉडी वाली, और क्या होना चाहिए आपको, एक अच्छी बॉडी और लॉन्ग शेडो नहीं, शॉर्ट शेडो चाहिए और अच्छा वॉल्यूम भी होना चाहिए। बॉडी अच्छी है नो डाउट, लेकिन मैं इसमें नहीं लूंगा क्योंकि वॉल्यूम मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा। इसमें करता लेकिन ये एंड ऑफ द डे था तो ये मेरा होता नहीं ट्रेड। ये क्या हो गया, ज्यादा शेडो कम बॉडी, तो मैं इसको भी नहीं लेता। बाद में हम आगे जाते हैं तो इधर देखो एक बड़ी सी मेरे को कैंडल दिख रही है, वॉल्यूम भी अच्छी है, आजू बाजू की जो भी कैंडल है उससे ज्यादा वॉल्यूम है, तो मेरे लिए परफेक्ट कैंडल है, अच्छी बॉडी भी है, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो मैं क्या करूंगा, सडनली बाय नहीं करूंगा। इसका जो भी हाई होगा वो ब्रेक होने के बाद आप बाय करोगे, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहेगा। अगर बड़ी कैंडल है तो पहला टारगेट आपको जितने रुपए की वो कैंडल है उतना ही रखना है। तो ये बड़ी कैंडल थी, मतलब कितने रुपए की, देखो 67 से लेकर 74 रुपीस की थी, मतलब एक 7 रुपीस अप्रोक्स 7 रुपीस आप मान सकते हो कि 7-8 रुपीस की एक कैंडल है। तो बाद में मेरे टारगेट पहला वही रहेगा। बाद में आगे देखते ये सेल सिग्नल नहीं लेंगे, छोटी बॉडी सेम, बाद में आगे जाते और हो सके तो पहली कैंडल को इग्नोर करिए। पहली कैंडल पे कैसे ट्रेड लेना है वो मैं आपको बताऊंगा, तो पहली कैंडल को हो सके तो इग्नोर करिए। अगर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी आप ट्रेड लग सकते हो, लेकिन हो सके तो पहली कैंडल को इग्नोर करिए। देखो ये पहली कैंडल पे आया, बाद में देखो ये ऊपर जाके नीचे जाके, अगर इधर भी आप लेते हैं तो एंड ऑफ द डे आपको इतना ज़्यादा मतलब लॉस नहीं होता, थोड़ा ही लॉस होता है। एक इधर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल चुका था तो मतलब थोड़ा ये लॉस वो होगा इधर। बाद में आगे जाते हैं तो और कोई ट्रेड मिलता है, देखिए ये सेल साइड मिला लेकिन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो हमारी कैंडल थी
वो छोटी थे इसीलिए। बाद में ये था बाय सिग्नल मिला, छोटी कैंडल नहीं लेंगे, हाई भी ब्रेक नहीं किया है। बाद में ये अच्छी कैंडल थी लेकिन लो ब्रेक नहीं किया है। बाद में फिर से आती है ये कैंडल, देखो अच्छी बॉडी वाली थी, अच्छा वॉल्यूम भी है, तो इसका जैसे ही आए तो नेक्स्ट कैंडल नहीं, इसका हाई ब्रेक कर दे तो हमारी एंट्री हो जाती, बाद में स्टॉप लॉस रहता है इस कैंडल के नीचे, तो एंड ऑफ द डे मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। मैंने बोला है आगे अगर ये कैंडल आपको बहुत बड़ी दिख रही है तो जितने पॉइंट की वो कैंडल है उतना ही आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। बाद में आगे देखते हैं, तो बाद में आगे देखते देखो ये इधर बड़ी कैंडल, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो नॉर्मल कैंडल लग रही है तो इसको मैं 2 गुना रखूंगा, मतलब मेरा टारगेट पहला तो फर्स्ट टारगेट तो जितनी कैंडल है उसका ही रखूंगा, बाद में सेकंड टारगेट में उसका 2 गुना कर दूंगा, तो मैं सेकंड टारगेट के लिए इसमें जा सकता हूँ क्योंकि छोटी कैंडल है तो मेरे टारगेट बड़े हो सकते हैं। तो कभी कभी आपको इसमें अच्छा ट्रेड मिल जाता है, एक अच्छे मूव के साथ ट्रेड मिल जाता है, लेकिन छोटी कैंडल हो तो, और बड़ी कैंडल में हम टारगेट छोटे क्यों रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो कैंडल में आपको मूव मिल चुका है, तो हो सके वहां से आगे मूव कम मिले, या तो मिले तो मिल जाते हैं, नहीं मिले तो नहीं मिलते। इसीलिए हम क्या है कि बड़ी कैंडल में अपना सिंगल टारगेट रखते हैं, जितने पॉइंट की होती है उतना ही टारगेट, अगर छोटी कैंडल मिलती है तो अब हम 2 गुना 3 गुना सोच सकते हैं। तो ये था नॉर्मल तरीका सुपर ट्रेंड को यूज करने का, इन सिंपल। जहां पे भी आपको बाय या सेल सिग्नल मिल रहे पहले तो क्या देखना है, उस बॉडी को देखना है, अगर अच्छी बॉडी और अच्छा वॉल्यूम वाला हो तो वो कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तब आप बाय साइड जाएंगे अगर बाय साइड का सिग्नल मिलता है। अगर अच्छी बॉडी रेड कलर की हो और वॉल्यूम भी अच्छा है और सेल साइड का सिग्नल मिलता है तो वो अगर उसका लो ब्रेक करता है तो आप सेल साइड जा सकते हो। अगर बड़ी कैंडल है तो जितने पॉइंट की कैंडल है वही आपका टारगेट रहेगा, अगर छोटी कैंडल है तो आप उसमें 2 गुना 3 गुना टारगेट रख सकते हो, स्टॉप लॉस रहेगा। अगर बाय साइड है तो जो भी आप एंट्री कैंडल ले रहे हो उस कैंडल के नीचे, अगर क्या है कि सेल साइड है तो जो भी आपकी एंट्री कैंडल मतलब सिग्नल वाली कैंडल मिल रहे उस कैंडल के ऊपर जस्ट थोड़ा ऊपर रखिएगा। अब हम देखते हैं इसमें अच्छे से ट्रेड कैसे निकाले, मतलब आप 70-80% सक्सेसफुल ट्रेड मिलते हैं वो कैसे मिले, तो आपको इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो पहले आपको लगा लेना है 5 मिनट का चार्ट, ये ओनली 5 मिनट का चार्ट पे ही वर्क करेगा अच्छी तरह से, तो आपको 5 मिनट का चार्ट लगा लेना है। तो अगर ये आपको दिन के पहले 5 मिनट के कैंडल पे ही सिग्नल देता है तब भी आपको इसमें वर्क करना है, चाहे जो भी स्टॉक हो, जो भी इंडाइसिस हो, जिसमें भी आप वर्क करना चाह रहे हो। अगर दिन की पहली कैंडल पे मेरे को ये बाय या सेल सिग्नल देता है तो अगर बाय देता है तो मैं उसका हाई ब्रेक करेगा तब एंट्री लूंगा, अगर सेल देता है तो मैं उसका लो ब्रेक करने पर एंट्री लूंगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा वो बॉडी अच्छी होनी चाहिए और वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऐसे ट्रेड हमें कितने मिले और कितने सक्सेसफुल रहे। तो ये मैंने लगा दिया है ICICI बैंक में 5 मिनट का चार्ट, तो आज कुछ नहीं मिला, बाद में आगे देखते तो वहीं पे भी कुछ नहीं है। पहली कैंडल पे मिले तभी लेना है और अच्छी बॉडी वाली और अच्छा वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। बाद में आगे देखते कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है, अभी भी कुछ नहीं है, कुछ ट्रेड नहीं मिला है। बाद में ये देखो ये पहली कैंडल अच्छी बॉडी अच्छा वॉल्यूम भी है, पहली कैंडल पे ही हमारा सुपर ट्रेंड आया, तो जब भी उसका हाई ब्रेक होगा तभी हम एंट्री लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे, और जो हमारे टारगेट रहेंगे वो पहला टारगेट वो कैंडल है उतने पॉइंट, दूसरा टारगेट रहेगा उससे डबल, तीसरा रहेगा उससे 3 गुना, मोस्टली हम उससे 2 गुना के टारगेट रखते हैं। अगर ये कैंडल 1% से ज्यादा है तब जितने पॉइंट मिल रहे हैं वो कैंडल में उतने पॉइंट ही हमारा टारगेट होगा, वहां से हम प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएंगे। तो इसमें मेरे को अच्छी कैंडल मिली, कितने पॉइंट की है वो देख ले, तो 5 रुपीज की है तो मैं इसमें पहला टारगेट लेके निकल जाता तो इसमें मेरे 5 रुपए प्रॉफिट हो चुका है। देखो 5 नहीं, इसने 10 भी दे दिए, मतलब डबल भी दे दिए। अगर ये लाइव मार्केट में आप देख रहे हो तो पहले आप टारगेट अपना 10 ही रखो, बाद में अगर वहां से नहीं पहुंचता 7-8 रुपए से ही रिवर्स देना स्टार्ट कर देते तो वहां से आप निकल जाओ, जितने पॉइंट मिलते हैं उतने ले लो। बाद में हम आगे जाएंगे, देखो इधर सेकंड कैंडल पे आया, नहीं लेंगे, हमें फर्स्ट कैंडल पे आए तभी लेना है। बाद में आगे जाते देखो ये भी था, नहीं लेंगे, भले कितनी भी बड़ी कैंडल देख दे बीच में हम नहीं लेंगे। बाद में आगे जाते हाँ उसे आप क्या है कि उस तरह से ले सकते हो, ओनली सुपर ट्रेंड उसका हाई ब्रेक करे अच्छी कैंडल वो सब वगैरह देख के ले सकते हो, लेकिन इस जो मॉडिफिकेशन है इसमें से हम नहीं लेंगे, ओनली पहली कैंडल पे आएंगे तभी लेंगे। बाद में आगे जाते तो देखो ये हो गई आपकी बड़ी कैंडल, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो इसका जब भी हाई ब्रेक होगा तब हम इसमें एंट्री लेंगे। तो इधर से मैंने एंट्री ली है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, कितना पॉइंट है वो देख लेते, तो जो हमारे पॉइंट निकल के आ रहे हैं वो 5 रुपये, तो अगर मैं इधर से मेरे को 5 रुपये मिल जाता है तो मैं निकल जाऊंगा।
तो अगर ये मेरे को मिलते हैं तो निकल जाऊंगा, अगर नहीं मिलते तो मैं एंड ऑफ द डे तक वेट करूंगा। और हाँ, अगर आपको इसमें कुछ नहीं मिल रहा तो आप क्या है कि अपना स्टॉप लॉस भी मॉडिफिकेशन करते जाइए। देखो इधर मेरा पहला स्टॉप लॉस तो ये कैंडल के नीचे रहेगा, बाद में थोड़ा इधर चलो इधर कहीं अपसाइड आ गया तो बाद में आपको स्टॉप लॉस मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो भी आपके फायदे, अगर करते तो भी आपके फायदे। कभी कभी ये क्या होता है, ये इधर से रिवर्स आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, इससे अच्छा है कि आप स्टॉप लॉस मॉडिफिकेशन करो, एटलीस्ट आपका जहां एंट्री हुई थी वहां पे एग्जिट होंगे। बाद में आगे देखते तो मेरे को इधर ये सिग्नल मिला है, लेकिन बाय साइड मिला, नो डाउट बाय साइड मिला, लेकिन अच्छी कैंडल नहीं है, ये अनडिसिजनल टाइप कैंडल है तो हम इसमें वर्क नहीं करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं रिलायंस के चार्ट के ऊपर, तो रिलायंस के चार्ट में देखते हैं कैसे वर्क करता है या नहीं करता है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ तो जो ये फ्राइडे था उसी में मेरे को क्या है कि सिग्नल दिया था, तो इसने बाय साइड सिग्नल दिया था, पहली कैंडल थी तो मैं इसमें वर्क करता। इसका जब भी हाई ब्रेक होता तो इस पर हम बाइंग एंट्री लेते, और जब भी इसका लो ब्रेक होता तो हम स्टॉप लॉस उसके पास रख देते, स्टॉप लॉस हिट होने पे हम निकल जाते। तो देखो पहला टारगेट रहता है जितनी कैंडल है उतने पॉइंट, दूसरा टारगेट रहता है उसके दो गुना, तो दो गुना इतने इजीली क्या है कि अचीव कर लिया, तो मतलब इस दिन हमारा प्रॉफिट रहता। बाद में आगे देखते हैं तो इस दिन भी हमारा कुछ नहीं होता, इस दिन भी हमारा कुछ नहीं था, नो डाउट बहुत अच्छा मूवमेंट मिला था, लेकिन इधर से हम बाइंग नहीं करते। तो आगे देखते आगे जा रहे तो अभी तक कुछ नहीं मिला। देखो इधर सेल साइड सिग्नल मिला है, पहली कैंडल है लेकिन ग्रीन कलर की कैंडल है, इसीलिए हम इसमें वर्क नहीं करेंगे। अगर सेल साइड सिग्नल आता है तो अच्छी बॉडी वाली और रेड साइड का वॉल्यूम चाहिए हमें, रेड साइड की कैंडल भी चाहिए, तो ये सब होना चाहिए। तो इधर मेरे को क्या सेल साइड का सिग्नल मिला लेकिन ग्रीन कलर की कैंडल मिले, इसीलिए हम इसमें वर्क नहीं करेंगे। बाद में आगे जाते हैं तो देखो ये पहली कैंडल बहुत अच्छी कैंडल दिख रही है, तो ये कैंडल का हाई ब्रेक होने पे मैं एंट्री लेता तो मेरे इजीली दो गुना इसमें टारगेट मिल गए, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा इस कैंडल के नीचे। तो ये हमने रिलायंस देख लिया, तो अभी और एक स्टॉक देख लेते इसमें कैसा वर्क हुआ या नहीं वो देख लेते। तो अब हम TCS में देख लेते, TCS में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो TCS को मैं देख रहा हूँ तो इधर हमें पहले कैंडल पे सेल साइड सिग्नल मिला लेकिन उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो हम क्या है कि सेल साइड एंट्री नहीं लेंगे। बाद में आगे जाते तो और देखने को मिलेगा, देखो इधर फिर से एक कैंडल में सिग्नल मिला है, अच्छी बॉडी वाली है, वॉल्यूम भी अच्छा, तो इसके हाई ब्रेक होने पे हम एंट्री लेते, मेरे दोनों टारगेट अचीव हो गए और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। बाद में और आगे जाते तो आपको और पता चलेगा। बाद में देखो इधर मेरे को सेल साइड सिग्नल मिला, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा ऊपर, जैसे ही लो ब्रेक होता है हम एंट्री लेंगे, दोनों टारगेट मेरे को इसमें मिल गए हैं। बाद में आगे जाते तो इसमें भी हमें सेल साइड सिग्नल देखने को मिला है, तो इसमें अगर मेरा होता तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस भी हिट होते। अगर आप इसमें वर्क करना चाहते हो तो पहले आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, निफ्टी 50 के पहले स्टॉक लो, उसमें देखो पिछले 3 महीने का डेटा निकालो, उसमें देखो पहली कैंडल पे ट्रेड मिला है, अच्छा मिला या नहीं मिला। कोई कोई स्टॉक होंगे कि जिसमें आपको ट्रेड मिले लेकिन वो नेगेटिव में होंगे, मतलब वो लॉस वाले होंगे, जैसे बजाज फाइनेंस में देख रहा हूँ तो बजाज फाइनेंस में ये अच्छा नहीं वर्क कर रहा। तो आपको देखना पड़ेगा निफ्टी 50 के पहले 50 जो स्टॉक है उसमें से लिस्ट में जो देखो, अपने आप को क्या है कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कौन से स्टॉक में अच्छा वर्क कर रहा है, कौन से में बुरा वर्क कर रहा है। जो भी स्टॉक में अच्छा वर्क कर रहा है वो आप निकाले, अपनी वॉच लिस्ट बनाओ। जैसे ये दिन स्टार्ट होता है, मान लेते हैं आपके पास 20 स्टॉक है, जैसे ही दिन स्टार्ट होता है तो उसमें देखना स्टार्ट करो कौन से बाय साइड सिग्नल दे रहे, कौन से सेल साइड सिग्नल दे रहे, निफ्टी का क्या बिहेवियर है। अगर उस साइड आपको बाय या सेल मिल जाता है तो उसमें आप ट्रेड करो, पहले 5 मिनट की कैंडल जैसे फिनिश होती है हाई लो ब्रेक होने पे आप एंट्री लो, लेकिन आपको पहले उसमें वॉच लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन सा जो स्टॉक है वो अच्छा है, कौन से में इंडिकेटर में मिल रहा है। तो आपको इसमें वर्क कैसे करना है, सिंपल सी बात है, जो भी आपके लिए वॉच लिस्ट बनाई हुई होगी उसमें जैसे ही मार्केट ओपन होता है 2-3 मिनट जाने दो, इधर से क्या करना है सुपर ट्रेंड लगा देना है, 5 मिनट का जो भी कैंडल है इधर से 1 मिनट ये करोगे तो ये आ गया, ये करोगे तो ये आ गया, मतलब ऐसे ऐसे चेंज करते हो आपको पता चल जाएगा कि इसमें मिला है, इसमें अच्छी कैंडल है वो वगैरह। अगर मिलता है तो ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको इस इंडिकेटर पे भरोसा नहीं आ रहा है, क्या लोग बोलते हैं कि नहीं सुपर ट्रेंड अच्छा नहीं है, लेकिन अगर ये जो मॉडिफिकेशन वाला मैंने बोला है, 5 मिनट वाला जो बोला है, उस पर भी भरोसा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो मैंने बोला अच्छे अच्छे स्टॉक ले लो, उसको वॉच लिस्ट बनाओ, 1 महीने तक क्या है कि प्रैक्टिस ट्रेड लो। अगर 1 महीने के बाद आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलते हैं तो बाद में उसको क्या है कि लाइव मार्केट में अप्लाई करो। मैं ऐसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आप सीधे जाओ कल ये लगाओ ये सब ट्रेड लेने लगोगे आप,
नहीं, अगर आपको भरोसा नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले प्रैक्टिस ट्रेड लो, अगर आपको सही लग रहा है तब आप ट्रेड लो। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर किया कीजिए, तो सो उसको भी क्या है कि नॉलेज मिले कि ऐसे वर्क करा जाता है कोई भी इंडिकेटर पे या स्ट्रेटेजी पे जो हम आगे लेने वाले हैं। तो प्लीज यार सपोर्ट करना, तभी तो हम और इंडिकेटर और स्ट्रेटेजी और बाद में प्राइस एक्शन इस चैनल पे ऐड कर सकेंगे। सो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।